नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। जैन दर्शन के विचार क्रम में हम लोग आज तीसरे पार्ट पे पहुँचे हैं, जिसमें हम लोग उनके ज्ञान मीमांसा सिद्धांत स्यादवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, कि जैन दर्शन ये मानता है कि संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं। इसलिए हम जब भी जानेंगे तो सापेक्षिक रूप से जानेंगे, और इस सापेक्षिक से निष्कर्ष क्या आया, समस्त ज्ञान सापेक्षिक है। अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं। जब भी हम जानेंगे तो सापेक्षिक रूप से जानेंगे, इसलिए समस्त ज्ञान सापेक्षिक है। ये इनका स्यादवाद सिद्धांत कहलाता है, अर्थात समस्त ज्ञान सापेक्षिक होना। ये स्याद शब्द के कारण स्यादवाद कहलाता है। तो समस्त ज्ञान सापेक्षिक होता है, ये जैनियों का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, जो कि प्रकारांतर में सापेक्षिक ज्ञान को विशेष महत्व देता है और कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, केवल पुरुष जाने दीजिए, केवल प्राप्त व्यक्ति तो समस्त चीज़ों का समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसका जो ज्ञान हमेशा सापेक्षिक ही रहता है। इसे समझाने के लिए इनका जो मूल आधार था, ये अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि यह समस्त मानता है कि संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं, अनंत गुण होने के कारण और हमारे एक मनुष्य की अपनी सीमा रेखा है, इसलिए हम कुछ ही गुणों को जान सकते हैं। इसलिए कोई ये दावा या अधिकार नहीं कर सकता है कि मैं ही ये सच कह रहा हूँ। इसके पूर्व इसमें मुख्यतः समझाने के लिए इसमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बड़े अच्छे ढंग से, दुर्नय, नय और प्रमाण नय। जब हम ये कहते हैं कि मेरा ही मत सही है, यह घट ही है, तो कहते दुर्नय। जैसे पहले कंप्यूटर शुरू में कंप्यूटर आया था 10-15 साल पहले, प्रचलन में आया था, तो अगर आप गलत बटन दबा देते थे तो उसमें आता था बैड कमांड। उसी तरह दुर्नय मतलब जब आप कहते हो यह घट ही है, यह घट ही है, तो प्रकारांतर में क्या हो गया, यह घट ही है, इसमें आप अपने मत में अंतिम जोर दे रहे हो, ये मान रहे हो, दूसरे मत की उपेक्षा कर दे रहे हो, तो ये बैड कमांड आता। फिर नए, थोड़ा सा आप लिबरल हुए, यह घट है, इसमें एक काम तो अच्छा हुआ। जैन दर्शन कहते हैं कि आप अपने मत को अंतिम सत्य नहीं मान रहे, लेकिन आप यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि आपका मत सापेक्षिक है। इसलिए कहते हैं प्रमाणिक पंक्ति क्या होगी, प्रमाणिक कथन क्या होगा, वो कथन होगा कि स्यात् यह घट है, स्यात् यह घट है, यही प्रमाण ने कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैन दर्शन इसमें स्वर पहुंचता है कि हम समस्त ज्ञान सापेक्षिक है, इसलिए सही कथन ये होता जब कहता हूं यह पेन ही है, बैड कमांड, दुर्नय, यह पेन है, ठीक है भाई, लेकिन सही लाइन क्या होगा, जहां तक मैं जानता हूं यह पेन ही है। तो कहते हैं यह किस बात का द्योतक है, इस बात को स्वीकार कर रहा है किसी वस्तु में अनंत गुण हो सकते हैं, दूसरी बात को स्वीकार कर रहा है कि आप उसके एक गुण को जान रहे हैं, और इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आपका जो ज्ञान है वह सापेक्षिक कहलाता है। इस तरह स्यादवाद प्रमाण नय में स्यात् यह घट है, इसे सही मान रहा है। अब सापेक्षिक इसका मतलब सिद्ध क्या हुआ कि समस्त ज्ञान सापेक्षिक है, और ये जो सापेक्षिक ज्ञान है मुख्यतः दो चीजों से अलग है। एक तो इसको संदेहवाद से अलग कहा जाता है। संदेहवाद में समानता मत माना जाता है कि आप ज्ञान की
संभावना पर प्रश्न लगाते हो कि इसकी वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। जो संशयवादी क्या होगा, अंत तक सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। संदेहवाद वह सिद्धांत है जो कहता है कि ज्ञान असंभव है। संदेहवाद वह सिद्धांत है जो कहता है कि आप यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये सिद्धांत ये भी मानता है कि कोई भी व्यक्ति, जिसे यहाँ तक वेस्टर्न फिलॉसफी में जॉर्जियस यहाँ तक कहते हैं, आप वस्तु को जान नहीं सकते। अगर आप वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भी आप उसे बता नहीं सकते। वो इस हद तक सोफिस्ट जाते हैं। पायरो, ये जो जितने भी संदेहवादी हुए हैं, वो ज्ञान की संभावना पर ही प्रश्न लगा देते हैं। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है स्यादवाद, यह मुख्यतः अगर हम सिद्धांत देखें तो यह सिद्धांत पूरी तरह से संदेह से अलग है, बल्कि यह प्रमाणिक ज्ञान की ओर ले जाता है। साथ में यह संदेह को खत्म करता है। इसलिए अंतर यही करना चाहिए, बार बार सवाल परीक्षा में भी आता है, यह ज्ञान के से नहीं बल्कि यह सापेक्षता पर बल देता है कि समस्त ज्ञान सापेक्षिक है, और इसी सापेक्षता के कारण हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो जैन दर्शन मुख्यतः ज्ञान की सापेक्षता पर बल देने का उनका सिद्धांत स्यादवाद कहलाता है। और स्यादवाद का यूनिक उदाहरण हाथी का उदाहरण दिया जाता है, जो कि इनका अनेकांतवाद सिद्धांत में मैंने दिया था। मैं उस उदाहरण को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी वो दिख जाएगा कि एक मंच, एक हाथी है, आपने भी कथा सुनी होगी, और 6 लोग हैं जिनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है। उनको मंच पे छोड़ा जाता है, वो जाते हैं, कोई इसका पैर छू रहा है तो कह रहा है कि अरे ये तो खंबा है। जो उसकी पूँछ छू रहे हैं वो कह रहे हैं ये झाड़ू है। जो उसका कान छू रहा है कह रहा है ये सूप है। और जब उनकी आँखों की पट्टी हटाई जाती है तो उनको लगता है कि अरे हमारा ज्ञान तो गलत था। तो जो कहते तो जैन दर्शन कहे तुम्हारा ज्ञान गलत नहीं था, तुम्हारा ज्ञान सापेक्षिक था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जितना अनुभव है, जितनी तुम्हारी सीमा रेखा है, उसके आधार पे आप जो चीज़ें जान रहे हो वही सापेक्षिक रूप से आप सत्य मानते हो, इसलिए आपका ज्ञान सापेक्षिक रूप से है। हाथी कथा उदाहरण बता रहा है कि हम सीमित बुद्धि के लोग, हम सामान्य मनुष्य, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना घमंड करने लगते हैं और कहते हैं कि यही सत्य ज्ञान है। जबकि प्रकारांतर में यह जो ज्ञान है वह ज्ञान हमारे लिए सर्वोत्तम है कि हम उसको स्वीकार करें कि यह ज्ञान सापेक्षिक है। तो हाथी बस परीक्षा में देखना रहता है कि आपको बहुत लंबी कथा नहीं सुनानी है, आपको संक्षेप में इस बात को कह रखना है कि 6 लोग आंखों में पट्टी बंधी है। हाथी और अंधे की कथा भी कहा जाता है, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, और सबने अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार, किसी ने हाथी कहा, किसी ने पूंछ कहा, किसी ने सूप कहा, लेकिन उन सभी का ज्ञान सापेक्षिक रूप से सच होता है। इस तरह ये सिद्ध होता है, जैन दर्शन सिद्ध करते हैं कि समस्त ज्ञान सापेक्षिक होता है। अब अगला सवाल पैदा होता है, ये संदेहवाद नहीं है बल्कि दो अतिवादी मान्यताओं के बीच का रास्ता है, जो कि अपने ही मत को अंतिम सच समझ लेते हैं। एकांतवादी मत से अलग हटकर यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें हठ का कहीं रोल नहीं है। एक आध बारी सवाल पूछा है, क्या हठ धर्मिता को दर्शाता है इनका सिद्धांत? नहीं, जैनियों का सिद्धांत हठ या अतिवादी या एकांतवादी मतों का खंडन करके वह एक समन्वय का प्रयास करता है, और मुख्यतः उसका निष्कर्ष यह आता है कि समस्त ज्ञान सापेक्षिक रूप से हमारे सामने आ रहा है। अब अगर हम लोग देखें इस सिद्धांत को, सवाल अगला पैदा होता है, परामर्श कितने तरह के हो सकते हैं? इन परामर्शों को जैन दर्शन ने 7 तरीके से स्वीकार किया है। जैसे देखें कि इसे कहा गया सप्त भंगिनय, नय का मतलब होता है सापेक्षिक ज्ञान, समस्त ज्ञान आंशिक है या सापेक्षिक है, इसे सप्त भंगिनय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो सप्त भंगिनय 7 तरह के मैक्सिम, उन्होंने कल्पना, भाई ऐसे तो हजारों नय बन सकते हैं,
तो उन्होंने कहा किसी विषय के बारे में हम लोग सात तरीके से सात तरह का दृष्टिकोण रख सकते हैं। अब जैसे इसको उदाहरण के तौर पर 3, 6 और 7 ये सात तरीके से हम लोग इसको पहला इसको पहले हम लोग समझें समान तरीके से कि मान लो हम लोग एक पीतल के घड़े का उदाहरण लेके चलते हैं। घड़े के बारे में पीतल का घड़ा है, एक दृष्टिकोण होता है यह पीतल का है स्यात् अस्ति, दूसरा कहने बनेगा यह मिट्टी का नहीं है स्यात् नास्ति। एक ही घड़े के बारे में दृष्टिकोण क्या हो गया, ये पीतल का है ये मिट्टी का नहीं है। तीसरा दृष्टिकोण क्या होगा, यह पीतल का है मिट्टी का नहीं है, लेकिन एक्चुअल में घड़ा है क्या, तो स्यात् अवक्तव्यम। जैसे कोई किसी पूछे यार तुम आदमी हो क्या, तो हम नहीं बता सकते। अगर कोई मेरे बारे में पूछे कि आप नौकरी क्या करते हो, आपका कैरियर क्या है, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं फिलॉसफी का टीचर हूँ। ठीक, कोई मुझसे पूछे कि आप रहते कहाँ, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन कोई मुझसे आके ये पूछे आप हो क्या, तो जैनी कहेंगे स्यात् अवक्तव्यम, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर ज्ञान सापेक्षिक है, हर व्यक्ति एक सापेक्षिक दृष्टिकोण से ही सही माना जा सकता है। एक दृष्टिकोण से आप किसी के पिता हो सकते हैं, दूसरे दृष्टिकोण से आप किसी के बेटे हो सकते हैं। आप जब तक जैन दर्शन कहते हैं कि जब तक आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक आप किसी के बारे में उल्लेख नहीं कर सकते। तो चौथा एक्चुअल में घड़ा क्या है, तो गए घड़ा में स्यात् अवक्तव्यम, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये चार नए हमारे सामने मिलते हैं। पहला स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति, तीसरा स्यात् अस्ति च नास्ति, चौथा स्यात् अवक्तव्यम्। ठीक, एक दृष्टिकोण से घड़ा पीतल का है, पीतल का है, दूसरे दृष्टिकोण से मिट्टी का नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, घड़ा पीतल का है मिट्टी का नहीं है। लेकिन भैया अगर कोई दृष्टिकोण नहीं हो कहोगे कि किस दृष्टिकोण से जानना चाह रहे हो, तो यह आ जाएगा अवक्तव्यम, हम कुछ नहीं कह सकते कि यह किस रूप में हमारे सामने आ रहा है। अब अगला हिस्सा ये आता है कि फिर इसी चार नए से आगे, इसका मतलब कि स्यात् ये घड़ा अस्ति च अवक्तव्यम्, ये घड़ा पीतल का है और अगर आपने दृष्टिकोण का उल्लेख नहीं किया है तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगला है यह घड़ा स्यात् नास्ति, यह घड़ा मिट्टी का नहीं है और अगर आपने उल्लेख दृष्टिकोण का उल्लेख नहीं किया है तो अवक्तव्यम्। ठीक, और फाइनली पूरा निष्कर्ष कहां पे आ जा रहा है, स्यात् नास्ति च स्यात् अस्ति, थोड़ा सा ठीक, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम्। घोड़ा, सॉरी
हेलो घड़ा पीतल का है, घड़ा मिट्टी का नहीं है, दृष्टिकोण का उल्लेख नहीं होगा तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते हैं। इस तरह यह सप्त भंगी न्याय का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि एक विषय के बारे में, एक तत्व के बारे में हम सात तरह के न्यायों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह जैन दर्शन में सप्त भंगी न्याय की परिकल्पना आती है, जिसके माध्यम से वह सात दृष्टिकोणों का उल्लेख करते हैं किसी विषय के बारे में। यह सात दृष्टिकोण बन सकते हैं, इसको के क्रम से हमने तो सात अस्ति, सात नास्ति, सात अस्ति च नास्ति, सात अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम्, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम्, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम् कहलाता है। इस तरह जैनियों का सप्त भंगी न्याय सिद्धांत हमारे सामने आता है। और परीक्षा में कभी कभी ये भी संभव है कि अकेले सप्त भंगी न्याय सात परामर्श आपसे पूछ लिए जाएं। अगर परीक्षा में सात परामर्श आते हैं तो भी आपको बैकग्राउंड के तौर पर स्यादवाद को रखना होता है, स्यादवाद बताते हुए सात परामर्श पे आता है। अब फाइनली इनकी जो तुलना, जैसे ऊपर हम लोगों ने संदेहवाद से की थी, इनकी तुलना सोफिस्ट फिलोसफरों से की जाती है। पश्चात दर्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें प्लेटो के पूर्व एक विचारधारा आती है, प्लेटो सुकरात के पूर्व या सुकरात के समकालीन थे सोफिस्ट फिलोसफर, जिन्होंने कहा था मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। प्रत्येक वस्तु का, मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, यह इन्होंने कहा था। और ये इसका अर्थ क्या आ रहा था कि जो चीज मेरे लिए सही है जरूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो। इसी आधार पर वेस्टर्न फिलॉसफी में पहली बार संशयवाद शब्द आता है, संशयवाद धारा आती है। मुख्य फिलॉसफर प्रोटोगोरस थे, कुछ समय पहले अभी मैंने जिक्र किया था जॉर्जियस का, वो भी जिक्र थे। ये सब फिलॉसफर ने कहा था कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है, इसलिए कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसा कि समस्त ज्ञान, मतलब ज्ञान असंभव होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखें, ये कहते हैं मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इसके बाद ये सिद्धांत कह रहे हैं कि ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं मिल सकता। यथार्थ ज्ञान नहीं मिल सकता है, ये दो बातें ये यहां पे कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जो स्यादवाद सिद्धांत है, ये स्यादवाद सिद्धांत अलग है। ये मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मापदंड ही नहीं कह रहा है, ये ज्ञान की सापेक्षता का उल्लेख कर रहे हैं। किसके ज्ञान जो है वो सापेक्ष होता है, तो ये संशय के बजाय सापेक्षता की बात कर रहे हैं। और ये मानते हैं कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कैवल्य ज्ञानी व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान मिल सकता है। और आप इस सापेक्षता को अगर आपने समझ लिया तो धीरे धीरे करके आप वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्यादवाद सिद्धांत मुख्यतः प्रोटोगोरस का जो सिद्धांत है, सोफिस्टों का सिद्धांत है, उससे यह अलग माना जाता है। अब इसमें मुख्यतः अगर इसकी आलोचना हम लोग देखें स्यादवाद की, तो मुख्यतः आलोचना का जो बिंदु है वो बिंदु चार चीजों पर व्यक्त हो रहा है। पहला, सापेक्ष ज्ञान को लेकर। अगर समस्त ज्ञान, अगर जैसे ये कह रहे हैं कि अगर समस्त ज्ञान सापेक्षिक है समस्त ज्ञान सापेक्षिक है अगर ये कह रहे हैं तो बड़ी सरलता से ये भी कहा जा सकता है कि भाई स्यादवाद स्वयं सापेक्षिक, ये भी सापेक्षिक हो जाएगा। तो हम कैसे मानेंगे कि कौन सा ज्ञान सही है? इसलिए कहते सापेक्षिक ज्ञान, भाई विनम्रता से हो सकता है कि मेरे दृष्टिकोण से ये, आपसे पूछा है भारत की राजधानी क्या है और आपको कि मेरे दृष्टिकोण से दिल्ली है, इसका अर्थ क्या होगा? क्या राजधानी कोई और भी हो सकती है? तो कहते हैं इसलिए एक बार इनकी आलोचना भी होती है जैन दर्शन की, स्यादवाद की, कि ये पूरे ज्ञान को
ज्ञान की प्रक्रिया को बहुत जटिल बना देते हैं। ज्ञान के सत्यापन बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरने लगता है। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वास्तविक ज्ञान मिलेगा कहाँ से, वास्तविक ज्ञान कहेंगे किसे। इसलिए इस आलोचना के समस्त ज्ञान सापेक्षिक कहना यह ठीक बात नहीं है। नए सिद्धांत पर आलोचना के कि एक वैष्णव वेदांति कहते हैं भैया इन्होंने आलोचसाती क्यों बनाया। पहली बात सात पे आपत्ति है कि सात में शुरू के चार के बाद जो तीन नए हैं वो दोबारा आ गए हैं। जब चार ने आपने कह दिया स्यात अस्ति स्यात नास्ति स्यात अस्ति च नास्ति फिर स्यात अस्ति च ना स्यात अवक्तव्यम, ये चार आ गए आपके। फिर इन चार तो पर्याप्त थे, फिर चारों को मिला के अनावश्यक सात क्यों बनाया, ये दोबारा आ गए। और फिर कहेगा सात ही बनाना है तो चाहे जितने बनाते जाओ, असंग क्यों नहीं बनाया। तो आपत्ति ये है कि भाई पहली बात तो सात क्यों बनाया, सात भी बनाया तो चार बनाने के बाद फिर तीन रिपीट क्यों किया। फिर इसके बाद फिर अगर बनाना था तो कुछ आलोचक कहते हैं हम कह सकते हो सैकड़ों नए बनाए जा सकते हैं। जो एक बाद में जैन दार्शनिक कुदगुदाचार हैं, कुदगुदाचार ने कहा कि मुख्यतः जो महावीर स्वामी थे उन्होंने उनका जो उद्देश्य था महावीर स्वामी का, उन्होंने आत्मा के संदर्भ में चार दृष्टिकोण दिए थे। एक दृष्टिकोण देखा जाए तो आत्मा है, दूसरे दृष्टिकोण जाए तो आत्मा नहीं है, आत्मा है भी नहीं है और आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सामान्य सी बात कही गई थी और कुदगुदाचार अपने आरोह आक्षेप में कहते हैं उसी को उन्होंने स्यादवाद पर लागू करके सात नए में सप्त भंगी नए में विभक्त कर दिया जो कि ठीक नहीं था। बहरहाल फिर भी ये आलोचना होती है। इसके बाद आती है सत्यता असत्यता, तो इसमें सत्यता असत्यता का निर्धारण कैसे होगा। मेरे दृष्टिकोण से दिल्ली भारत, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, कोई कहे मेरे दृष्टिकोण से नई दिल्ली भारत राजधानी नहीं है, कैसा संभव है। किसी विषय के बारे में दो विरोधी मत आ जाएंगे और आप कहोगे दोनों अपनी जगह से सही है तो कैसे मानोगे। जैसे कभी कभी लाना कि कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी वरना कोई बेवफा नहीं होता, इसका मतलब क्या है, हर आदमी का जस्टिफाई किया जा सकता है, इस तरह हर आदमी अपने को सही मानने लगेगा। तो आलोचक ही कहते हैं कि भाई सत्ता स्तर निर्धारण कैसे होगा, अगर हर चीज सही है हर चीज सापेक्षिक है तो क्या ट्रू है क्या फॉल्स है पता चल पाएगा। तो पूरा का पूरा ज्ञान संभावना मात्र नहीं हो सकता, ज्ञान संभावना पर नहीं चल सकता, ज्ञान में क्लियरिटी चाहिए होती है। अगर समस्त ज्ञान संभावना मात्र है तो इनका जो स्यादवाद सिद्धांत है वो भी संभावना मात्र आ जाता है, उसे भी हमें संभावना मात्र ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरह जो स्यादवाद सिद्धांत है मुख्यतः जिसका मुख्य भूमिका रही थी कि ज्ञान के सापेक्ष दृष्टिकोण को विकसित करना, उस पर जो मुख्य आलोचना यही आती है कि ज्ञान की प्रक्रिया को जटिल बना दे रहा है। बाद में इसके स्पष्टीकरण में चिंतन आता है, जैसे कहा था कि अगर एक भाव से अगर आपने एक दृष्टिकोण से किसी वस्तु को जान लिया है और तो उसको सभी दृष्टिकोणों से हम जान सकते हैं, इस तरह का स्पष्टीकरण जैन दर्शन में मिलता है। तथापि जैन दर्शन की जो स्यादवाद सिद्धांत है इन आलोचनाओं से बहुत बच नहीं पाता है। तथापि बाद में अगर निष्कर्ष की ओर हम लोग आगे बढ़ें तो जैनियों का ये योगदान है कि उन्होंने पहला काम तो ये किया कि स्यादवाद के तौर पर ज्ञान की सापेक्षता को स्थापित किया है। उनका अनेकांतवाद भी उसके स्यादवाद सिद्धांत से स्थापित होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि अनेकांतवाद और स्यादवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं। अनेकांतवाद से स्यादवाद सिद्ध होता है, स्यादवाद से अनेकांतवाद सिद्ध होता है। जैसे मान लो कभी कभी परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछ ले भी जाते हैं, अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं, इसलिए हमारा जो भी ज्ञान होगा वो सापेक्षिक होगा, इसलिए समस्त सापेक्षिक ज्ञान, हमारा समस्त ज्ञान सापेक्षिक है, ये स्यादवाद हो गया। तो अनेकांतवाद से क्या स्यादवाद सिद्ध हो रहा है, अब स्यादवाद से आए हमारा ज्ञान सापेक्षिक है, हम किसी भी वस्तु को सापेक्षिक रूप से जानते हैं। क्यों सापेक्षिक रूप से जान सकते हैं, क्योंकि संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत वस्तुओं के अनंत गुण हैं। तो हम स्यादवाद से
अनेकांतवाद को सिद्ध करते हैं और अनेकांतवाद से स्यादवाद को सिद्ध करने के का प्रयास होता है। इस तरह यह दोनों सिद्धांत एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, तथापि इनका जो सप्तभंगिनी सिद्धांत है इस पे जो आरोप लगते हैं, इस आरोप का जो मुख्य आधार है स्यादवाद को ठीक से समझने। वो ये नहीं कह रहे कि एक ही समय घड़ा है, नहीं है, वो कह रहे हैं एक दृष्टिकोण, मतलब घड़ा पीतल का है लेकिन दूसरे दृष्टिकोण मिट्टी के दृष्टिकोण से वह घड़ा असत है। तो यहाँ पर जो आलोचना की जा रही है कि एक ही वस्तु एक समय है और नहीं है, ये सही नहीं है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद स्यादवाद आलोचना से नहीं बच सका है। यह समस्त ज्ञान को सापेक्षिक मानने से हमारी सत्यता जटिल हो जाएगी। फिर भी स्यादवाद सिद्धांत ज्ञान की सापेक्षता पे बल देकर एक तरह से सभी दार्शनिक सिद्धांतों को आईना दिखाने का काम करता है कि कोई भी सिद्धांत अपने मत को अंतिम सत्य ना माने और जो वास्तविक सत्य है उसको जानने के लिए निरंतर प्रयास रहे। तो ये था इनका स्यादवाद, जो कि जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत कहलाता है। धन्यवाद।